आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देवघर से गिरफ्तार तीन आरोपी पर केस दर्ज किया गया, जिसमें पंकु, परमजीत और राजीव पर केस दर्ज किया गया है। शेखपुरा के रंजन कुमार पर भी केस दर्ज हुआ है। ईओयू ने साइबर फ्रॉड का केस दर्ज किया है। न्यूज 18 के पास दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे यह साइबर गैंग एक्टिव था और नीट पेपर लीक कांड में सहयोग दे रहा था। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो यह साइबर गैंग है, नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के शागिर्दों को फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। इन्हीं के दिए गए मोबाइल और सिम कार्ड का क्वेश्चन और आंसर शीट आया था। गैंग के सरगना रंजन की गिरफ्तारी के लिए ईओयू लगातार एक्शन में है। तो नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक एक महीने बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना के एडीजी 5 की कोर्ट से नो कोअर्सिव आदेश प्राप्त किया। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्री नगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। आपको बता दें कि इस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर भी निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट के तरफ से मिला नो कोअर्सिव आदेश आगे लागू रहेगा या नहीं। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने तक राज्य के सभी नदियों से बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन बांका में बेखौफ बालू माफिया दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। बालू का अवैध खनन चांदन नदी से किया जा रहा है। ताराडी, भदरिया और अजौन के भवानीपुर घाट से बालू का अवैध खनन हो रहा है। चांदन नदी से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर से बालू भरकर ले जाया जा रहा है। बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। पटना में जेपी गंगा पथ का काम जल्द पूरा होने वाला है। जल्दी दीघा से गंगन घाट तक का सफर लोग बिना जाम के पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी इस पथ का उद्घाटन करने वाले हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बहुत ही जल्द लोग अब सीधे दीघा से गाय घाट होते हुए गंगन घाट का सफर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जेपी गंगा पथ गंगन घाट तक बनकर तैयार हो गया है। ये गाय घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो दीघा से गायघाट तक लोग आराम से सफर कर रहे हैं और यहां अभी बैरिकेटिंग की गई है। ये गायघाट से आगे कंगन घाट का जो जेपी गंगा पथ है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। लगभग 3 किलोमीटर का सफर 3 से 4 मिनट में लोग आसानी से कर पाएंगे। जब भी आप पटना सिटी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, काली मंदिर जाते हैं या फिर अन्य जल्ला वाले हनुमान मंदिर अन्य जगहों पर जाते हैं, घंटों जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि पटना सिटी वाले सड़क पतली होने के कारण जाम की समस्या बहुत अधिक होती है। लेकिन जेपी गंगा पथ बन जाने के बाद घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होगा। ये वही पथ है जब पीएम नरेंद्र मोदी पटना में थे तो वो इसी रास्ते होकर गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली गुरुद्वारा गए थे, वहां पे उन्होंने मत्था टेका था। हालांकि तब पीएम के जाने के लिए इन रास्तों को खोला गया था, काम पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद पुल को बंद किया गया, यहाँ पे रास्ते को बंद किया गया, काम कंप्लीट कर लिया गया है। और एक बार फिर से ये देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है, क्योंकि इसे उद्घाटन का इंतजार है। बहुत ही जल्द इस नए वाले जो पुल बनाई गई है, यानी गायघाट से लेकर गुरुद्वारे तक, उसका उद्घाटन होगा। और उसके बाद गुरुद्वारा से यानी कंगन घाट से लेकर दीघा का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। लोग आसानी से घंटों का सफर जो है वो मिनटों में कर पाएंगे और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होने वाला है, क्योंकि काम लगभग पूर्ण हो गए हैं, काम को कंप्लीट कर लिया गया है। और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सीधे जो लगभग 20 किलोमीटर का सफर है दीघा से लेकर कंगन घाट तक, वो आसानी से मिनटों में लोग कर पाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।
बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले बिहार के अररिया में पुल टूटा, उसके बाद सिवान में टूटा, फिर मोतिहारी में। वहीं तीन दिन पहले सिवान जिले के महाराजगंज जनमंडल के करौली गांव के पास गंडक नदी पर बना पुल अचानक ध्वस्त हो गया। इस पुल के टूट जाने के बाद कई गांव के लोगों को अब आने जाने में परेशानी हो रही है। गांव के लोगों को एक लंबी दूरी तय करके महाराजगंज बाजार आना पड़ता है। करौली गांव के महिला, बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्रों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। यह पुल कई गांवों को जोड़ता था। ग्रामीणों का मानना है कि गंडक विभाग की तरफ से नहर को साफ किया गया और उसी दौरान पिलर के पास मिट्टी को हटाया गया, जिसके बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ ही दिन पहले अररे में पुल टूटा था और ठीक उसके बाद सिवान के महाराजगंज के गरौली गांव में पुल टूटने के बाद यहां के जो ग्रामीण है उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, न्यूज 18 की टीम ये जानने की कोशिश करेगी और जानेगी किस तरह से पुल टूटने के बाद इन लोगों की परेशानी हो रही है, किस तरह की परेशानी बैठे लड़किया पे क्या पढ़े वाला सुन के चाहे दवाई पीरो के दर दवाई के दिक्कत बाटे, मर मैदान जाए के सब कुछ हो पर जाए के बावे आ सब तरह दिक्कत बाटे। जरा घर मरद मानुस नहीं के दौड़ के मेहरारू चल जाते रही कहाँ जइए सन आ पुल टूट गए सब चीज के हमने गजन हो गए। हाँ लम्बे जाए के पड़ल पटेल हम तो कहा था जे सर हमको बहुत दुख बा और सब को हम को ही पर हो केला बर बीमारी हो गला तो कबो ओकरा डॉक्टर को बुलावे जाय ने सा दवा बीरो का जाय सा लड़का से हम सब जाय ने सन को कमे हमको बहुत दुख होगा। यानी बहुत तरीके से साग साग सब्जी लाना, दवा वा लाना, लड़का लोग का स्कूल जाना, सब चीज हर एक चीज के देखा जाए तो परेशानी है। जिला प्रशासन से हम लोग कहेंगे जे तुरंत हम लोग का आने जाने का व्यवस्था करे, लड़का को पढ़ने जाने के लिए व्यवस्था करे, डॉक्टर के पास जाने के लिए व्यवस्था करे। पुल टूटा नदी कटा था उस समय पानी आया सुबह में काट दिया तोड़ दिया। नदी किसके द्वारा काटा गया था? गंडक द्वारा। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आखिर आप है? किसकी लापरवाही मान रहे हैं? गंडक वाला विभाग को हम लोग माने कर रहे थे और जीआई था वो और ज्यादा कटवाया। तो देख सकते हैं ये गरौली गांव के ग्रामीण थे, जाहिर सी बात है पुल टूटने के बाद इन लोग काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। बेगूसराय के बलिया में पोखर खुदाई के नाम पर निकाली गई मिट्टी को खनन माफिया पर बेचने का आरोप लग रहा है। जानीपुर नया टोला के चटोरा बहियार में पोखर की खुदाई हो रही है। इसके लिखित शिकायत बलिया गांव के विवेक कुमार ने मुख्यमंत्री को देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। यहां जल जीवन हरियाली के तहत पोखर निर्माण किया जा रहा है, इसमें ठेकेदार की ओर से कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। नियम के मुताबिक पोखर की मिट्टी आसपास के खेतों को देना है, लेकिन ठेकेदार की ओर से 100 रुपए में मिट्टी बेची जा रही है। पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लग रहा है। उसके बाद हम जब दूसरे दिन गए तो देखे कि हजारों हजार के संख्या में जो है ट्रैक्टर पर लाद के 100-100 रुपया ट्रैक्टर पर लेता था और मिट्टी जो है बाहर भेजता था बेचता था। तब हम पूछे कि काहे मिट्टी बेच रहे हैं, तब ठेकेदार